रायगड़ा रे लाल तांडव सरकारी योजना को विरोध करी ठिका क्यांप रे पोड़ा जोड़ा नारिंगी तोला अंचल रे मलमल माओ पोस्टर कॉम्बिंग ऑपरेशन जोरदार। हमुनी चासिंग को दुर्दशा आखि बुझिले बरगड़ खैरपाली रो चासी पी नवीन कुमार सेपटे घटना को अस्वीकार कला जिला प्रशासन सरकार को दोष देले विरोधी। मालकानगिरी रे सर्वशिक्षा अभियान रो आउ एक नग्न चित्र गां पिंडारे चली पाठ पढ़ा नहांती शिक्षक एनजीओ को हाथ में पिला भविष्य डीओ को तदंत निर्देश। बालेश्वर पलटि लुटेरा स्वर्ग तीन मास मधे कोटे ऊर्ध टंका लुट एबे भी पुलिस हाथ खाली प्रतिदिन होउछि लुट और छिंताई। बालेश्वर मुख्य चिकित्सालय रे अव्यवस्था दुई जन डाक्तर को नहीं चली चक्षु विभाग रोगी असंतोष मामला को हालुका भावे नेले मुख्य चिकित्सा अधिकारी। एवं चिलिकारे घेरी मुक्त है 35,000 एकर जलराशि एथर पक्षी संख्या 10,00,000 टपिबा संभावना गणना समय पर्यटकों प्रवेश कटकणा। नमस्कार जिला रिपोर्ट को स्वागत करोगमाय संपूर्ण खबर। रायगड़ा रे लाल तांडव रास्ता काम को विरोध करी पोड़ाजला 9 जन सशस्त्र माओवादी ठिकादार क्यांप रे पोड़ाजला करने रास्ता काम बंद करने दावी कर। रास्ता काम को विरोध ठिकादार क्यांप रे पशि माओवादी लंकाकांड सबकि पोड़ी छारखार कर माओवादी सरकारी योजना को जोरदार विरोध करी लाल बाहिनी। शनिवार राति रास्ता काम को विरोध करी 9 जन सशस्त्र माओवादी जेसीबी 4टी ट्रैक्टर 4टी बाइक और गोटे बोलेरो रे निया लगाई देछंती। दीर्घ दिन होला रायगड़ा कल्याण सिंहपुर नारिंगी टोलारु लाखपदर गांव को रास्ता निर्माण चलीथिला हेले माओवादी एहाकु विरोध करथुवा बेले काम बंद पाई ठेकेदार को धमक देउथिले शेषरे प्रतिशोध परायण होई माओवादी एभली कांड भेइछंती। इंडिकेशन संख्या अच्छी माओवादी पार्टी रो नियमगिरी एरिया रो दलम ये काम करी फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस इंटेलिजेंस बेसिस रे इनपुट बेसिस रे ऑपरेशन चालू छी कॉम्बिंग मते चालू छी। लंकाकांड परे रास्ता काम बंद करबा को पोस्टर मारी छंती माओवादी। रायगड़ा रे माओ हिंसाकांड बढ़ी चलता बेले आंटी नक्सल ऑपरेशन को जोरदार करने उपरे गुरुत्व देछंती पूर्वतन पुलिस डीजी। गोटे सॉफ्ट टारगेट ठिकादार हेले रास्ता काम करछंती गाड़ी पोड़ी देवा केवल का हत्या करवा हत्या कर भयभीत करवा उद्देश्य मुख्य कथा है से चाहू ना कि रास्ता हेले फोर्स मूवमेंट जमी हम मासक मध्यरे मालकानगिरी एवं रायगड़ा रे माओवादी लगातार हिंसाकांड घटाई चलिछंती। रायगड़ा रु निरंजन पालन का सह भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन संजीव कुमार तिवारी का सह प्रवीण कुमार प्रधान ईटीवी न्यूज। बालेश्वर बातिछंती लुटेरा किछि मास मधरे कोटिए टंकारु अधिक टंका लूट कलेनी कुरुडा छक निकटरु बंधुक मुनरे 60,00,000 लूट को 40 दिन बितिलानी हेले धरा पड़ी नहांती लुटेरा सेपटे तीन मास भितरे तीनटी एटीएम रु 40,00,000 टंका लूट हेलानी प्रतिदिन छिंताई लूट हेउछि आ पुलिस नीरव द्रष्टा सजिथिबा अभियोग होछि। बालेश्वर जिल्ला रे लुटेरांको राज तीन मास मध्यरे जिल्लार विभिन्न स्थानरु कोटिए टंकारु अधिक लुटिरेणी लुटेरा हेले पुलिस हाथ एबे भी खाली। सेप्टेम्बर मासरे करुड़ा छक टोलगेट कर्मचारी 60,00,000 टंका लुट होइथिला घटना को 40 दिन बीतले भी पुलिस हाथ खाली खाली से नुहे तीन मास मध्यरे एटीएम ताड़ी 40,00,000 टंकारु अधिक लुट हेलानी लुटेरा को काबू करिवारे पुलिस पूरा विफल। पुलिस जे सन्देह ऊर्ध एक नुह पुलिस भूमिका जनसाधारण संघ सन्देह बल रही एवं पुलिस चाहिए जे जेकोसी अपराधर पर्दाफाश कर बड़ बड़ आप अर्थनैतिक अपराध ठार आरंभ कर देखु जेकोसी अपराध कथा देखिए जे निश्चित भाव से गोटे राजनैतिक पृष्ठपोषकता रही बालेश्वर बर्तमान अपराध प्रवण सर यार संपूर्ण जिम्मेदार जो संपूर्ण नैतिक दायित्व राजनैतिक नेता मान अच्छी पुलिस भूमिका तो निश्चय सन्देह घर में
किंतु पुलिस को मु जानि परनि जे पुलिस ऊपर कोन अदृश्य चाप अछि। बारंबार लूट घटना को नै पुलिस सफाई देउछि, तदंत चलिछि। शहर रे 60 लूट छिंताई घटना नै किछि प्रतिक्रिया दे नहंती आरक्षी अधीक्षक। अन्यपटे टोलगेट कर्मचारी ठारु लूट घटना अपराधी को खूब शीघ्र धरा जीव बोली कहिसंति अतिरिक्त एसपी। पूजार अव्यवहति पूर्व बालेश्वर सहर रे लगातार गोटे परे गोटे लूट होई चली। लुटेरा सह पुलिस रो संपर्क रही थाई पारे बोली संदेह करिसंति सहरवासी। बालेश्वर कैमरामैन सुनील दत्तों सह विभूति भूषण रणा, ईटीवी न्यूज। एबे चलंतु जिबा मालकानगिरी रो एपरि एक गांव को जेउठी सरकारी योजना रो विफलतार चित्र स्पष्ट बारी होई पड़छि। सरकारक तरफरु एठारे विद्यालय तो खोला जायछि किंतु ना अछि विद्यालय, गृह ना शिक्षक। अन्यपटरे पड़ोसी जिलार एनजीओ सहायतारे एठारे चलिछि पिलांक भविष्यत गढ़ा। छ वर्ष हेला गाँव में खोली सरकारी विद्यालय, तीन जन शिक्षक निजुक्ति दि जाएगी। हेले ना अच्छी विद्यालय गृह, ना अच्छी शिक्षक मान बासस्थली, ना आरंभ पाठपढ़ा। शेषे गाँव लोके ने चरम निष्पत्ति, पड़ोसी जिलार एनजीओ को डक पाठार व्यवस्था करागला। सहजरे विश्वास करिहेउनुथबाय कथा किंतु अक्षर अक्षर सत। आउ केउठी नुहे मालकानगिरी बंडाघाटी खालगुड़ा गाँव यहा हेउछि वास्तव चित्र। एतो हमर गाँ स्कूल होते हमर मास्टर ना सुनते एडे हमर गाँ से कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से 10 टा लेखा देकर मास्टर मन को से पढ़वार लोक पिला को पढ़ुची ना ना निहाती इंटर एरिया जोटार कि स्कूल अच्छी आउ सरकारी शिक्षक मैंने जाऊना स्कूल बिल्डिंग थाई भी पिला माने रहउछन्ति गारे किंतु शिक्षा पाई पार नांती से बोली एरिया को नै आमे कार्य करूछु। एनजीओ ऊपर शिक्षकक दरमा भार निस्त, प्रति मास रे पिला पिछा आदाय कर देउथबा 10 टंका रे पाठ उपकरण खिना जाय थाए। विद्यालय समस्या नै जिला प्रशासन ठारु आरंभ कर राजनेता समस्तक अनेक बार गुहारी करिछन्ति गां लोके, हेले फल सेबडे विद्यालय कथा बुझिबा पई जिला शिक्षा अधिकारी खैरपुट अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिछते। बायनाम उनको डाकै घरे ए गां रे हमें स्कूल कराउछु माने ठीके ठीके पिला माने पाटो फुड़ोछु आरे हम गां रे रोड नै ए अभिजोग जो आछि ताकु तदंत करिया पई मु हमर खैरपुट ब्लॉक रो अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी दुई जन को तदंत दायित्व देछि। जदि प्रकृत रे सत्य होई थाए निश्चित भारे शिक्षक विरुद्ध रे शृंखलागत कार्यान्वयन ग्रहण करा जीव। सभी पढ़िबे नारा एटि केवल योजना रे ही रही जाइछि। मालकानगिरी रु ईश्वर पटनायक, ईटीवी न्यूज। पुणी एक चासी आत्महत्या खबर। बरगड़ सोहेला ब्लॉक पंडतीपाली गाँव रे चासी आत्महत्या अभियोग होछि, तबे फसल हानि कारण विष पीछंती चासी भक्त भुए एवं तांको पत्नी। पद्मपुर डाक्तरखाना रे भक्तों मृत्यु होइथिबा बेले गुरुतर भाव में चिकित्सित होछंती तांको पत्नी। तबे 2 एकर जमि रे भाग चाष करथिले भक्त। ए संपर्क रे अधिक सूचना जानिबा फोन लाइन रे अछंती प्रतिनिधि रंजन देवता। रंजन, पुणी एक चासी आत्महत्यार अभियोग आसीछि, केते एकर चाष जमि रे चाष करथिले एवं ऋण परिशोध करि पार नथिले जहाकु ने वर्तमान से आत्महत्या करछंती। शिवमाया देखु सोहेला ब्लक बीजापाली पंचायत पंडकीपाली ग्राम भक्त भई नामक जड़े भाग चाषी आज विष खाई सूचना मिली। गुरुतर अवस्था पद्मपुर उपखंड सरकारी डाक्टर निया से डाक्तर मृत घोषणा करपर पत्नी गुरुतर या जमापड़ी पद्मपुर मेडिकल चिकित्सित करना मिली। भक्त भय जड़े गरीब लोक थे से गाँव दुई जन चाषी ठारू 2 एकर भाग चाष करते कि फसल उजुड़ी जबारि विष खाई जमापड़ी। तेज मृतक मैंने दंपति को बिलर गुरुतर अवस्था उद्धार कर पद्मपुर मेडिकल को निया से रास्त भक्त भय प्राणवायु उड़ी जाता मेडिकल पहुंचला डाक्टर मृत घोषणा करते। शिवमय
निश्चित भाव बहुत बहुत धन्यवाद रंजन समस्त सूचना पाई आम प्रतिनिधि रंजन देवता अधिक सूचना दौले चाषी आत्महत्या अभियोग आउंथे चाषी भक्त मृत्यु होता बेले पत्नी गुरुतर अवस्था वर्तमान चिकित्सित होती मेडिकल तो धामरा बंदर रे बोट भुटभुटी धक्का समुद्र रे बुड़गला भुटभुटी तीन मत्स्यजीवी एधार होती बंदर ठार 150 मीटर दूर से बुड़गला भुटभुटी चिटफंड संस्था खोली गिरफ हेले बौद्ध जिला बीजेपी युव मोर्चा सभापति नारायण कर्मी घटन जड़े सहयोगी मुनु प्रधान को गिरफ कर मनमुंडा पुलिस कोर्ट चलाण कर ग्रामांचल चिटफंड संस्था खोली लक्षाधिक टंका ठकी नहीं मनमुंडा थाना अभियोग होता गो लाइफ ट्रेडिंग लिमिटेड नामक एक ठक संस्था खोली से ही कारोबार कर अभियोग 2011-12 मसीह नारायण कर्मी एक कंपानी खोली एजेंट जरिया टंका संग्रह करते कौनसी रजिस्ट्रेशन न थाई से टंका संग्रह करुवा पुलिस जानवाक प्रथम पर्यायर इनक्वारी इनक्वारी पर जमापड़ा कि गो लाइफ नाम कौन से संस्था बर्तमान सुधा रेजिस्टर्ड ना कौटी ये गोटे केस रेजिस्ट्रेशन नारायण कर्मी मुन प्रधान मत राजनीतिक उद्देश्य नहीं फसई दि जाऊँ जेहेतु मुझे राजनीति थी तो राजनीतिक आक्रोश रखिकी किसी विरोधी मोर उपर एटा गोटे चाल चली आए तार आ कि ना बालेश्वर मुख्य चिकित्सालय रे डाक्तर अभाव मात्र दुई डाक्तर को नहीं चली चक्षु विभाग डाक्तर अभाव जो हंतसंत होती रोगी यहाक नहीं देखाई असंतोष खाली थी डाक्तर पदवी तुरंत पूरण करने लगे दावी जोर धरी 2018 रे बालेश्वर मुख्य चिकित्सालय बालेश्वर मेडिकल कॉलेज रो मान्यता पाइब से प्रस्तुति भी जोरसोर आरंभ हो किंतु मेडिकल रे चक्षु डाक्तर को अभाव थिबारु रोगी हेउछंती हंतसंत चारि जण डाक्तर को स्थान रे मात्र दुई जण अछंती फळरे चिकित्सा न पाई फेरि जाउछंती अनेक रोगी जे बालेश्वर डाक्तरखाना रो अवस्था जे आसी छि से जानी छि जो माने भी निजो पेशेंट मान को एटी हॉस्पिटल नै कि आछंती डाक्टर्स मानकर अभाव जोगु तांको कटक स्थानांतरित कर दिया होछि आमर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो दिनक दिन जो भाई रोगी बढ़ुंट से हिसाब से आज्ञा डाक्टर नाती एक भल रकम मीडियम सीडियम नलेज अच्छी किंतु से कहते आम पास सिस्टम नहीं बेड नहीं लोक जो भाई कंडीशन आसते तले रोक डाक्तर संख्या संपर्क में किसी कह स्पष्ट मना कर जिला मुख्य चिकित्सक तेरे डाक्तर अभाव थिबा कथा स्वीकार कर चक्षु विभाग मुख्य चिकित्सक सबू जाणी एने कहीं पदक्षेप ने जिला मुख्य चिकित्साधिकारी ताकने उठी प्रश्न अराउंड 70-80 पेशेंट आउटडोर पेशेंट होती ओटी होती आम दुई दिन ओटी रोच मंगलवार दिन पाखापाखि 15-20 ऑपरेशन होती सेमती सोमवार दिन शुक्रवार दिन 10-15 ऑपरेशन होती प्रति सप्ताह कह आम 30-35 ऑपरेशन करमर डाक्तर आमर दुई जन चक्षु विषय निवश्यकता रोचे बालेश्वर मेडिकल रे डाक्तरों अभाव कथा को हाल्का भाव में नहीं मुख्य चिकित्साधिकारी सेपटे डाक्तर निजुक्ति को अपेक्षा करिसेंती रोगी बालेश्वर कैमरामैन सुनील दत्तों सह विभूति भूषण राणा ईटीवी न्यूज मरुड़ी और चकड़ा पोक जो बरगड़ में दुई सप्ताह जीवन हारे चारि चाषी चाष नष्ट कीटनाशक पी गुरुतर होता अताबिरा ब्लक खैरपाली चाषी पी नवीन कुमार आज आखि बुझिंटे घटना को मानवाक नाराज जिला प्रशासन कही आत्महत्यार कारण फसल नष्ट नुहे व्यक्तिगत राज्यर भातहांडी चकड़ा पोकर आतंक चकड़ा पोखर फसल नष्ट पुणी जीवन हारे बरगड़ चाषी अताबिरा ब्लक खैरपाली युवचाषी पी नवीन कुमार आत्महत्या कर चिकित्साधीन अवस्था बुला बड़ मेडिकल ले मृत्यु होई नवीन निजर 3 एकर और 10 एकर जमीन में भागचाष करते चाष पर बैंक और सोसाइटी और हाथ उधारी भाव 5 लक्ष रु अधिक टंका ऋण करते हेले चकड़ा पोक जो चाष उजुड़ा पर चरम निष्पत्ति अभियोग कर लोके मृत चाषी पर क्षतिपूरण जोगाई देवा दावी कर जय किसान आंदोलन संघ और विरोधी जानी मोर बैंक ऋण 5 लक्ष टा मोर पोटा भी क्षति कर तो चकड़ा पक जो जीवन गला विश्व पता न कहे के कहला चकड़ा लगे कि हाँ ये फसल टा गला फसल टा अच्छे मुझे कर तीन 4 एकर जमीन पूरा खराब ही ड्राइवर में नहीं पड़ी बोलू कहला बोले ठीक हो देखमा जेनटा हवा बोले
ସେ ବି ହସିକିରି କହିଲା ଏମିତି କିଛି ଏମିତି କରିବି ବୋଲି ସେ ବି ନା କହିକି ବିଲକୁଲ କହିଦେଲେ ତାର ଏତିକି କଥା ନାହିଁ ଏଟା। ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କହିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନବୀନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ, କାରଣ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ସରିଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନବୀନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅସହାୟ ପରିବାର ଲୋକେ, ଏପଟେ ଘଟଣାକୁ ମାନୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପାଲି ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା ଓ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବାଲିରେ ବସିଛି ମେଳା, ଜମୁଛି ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳା। ରବିବାର ଥିବାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟପେୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଶେଷକରି ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇଥିବାରୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଓ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣ ଓ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଚିଲିକାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ। ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚିଲିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 35,000 ଏକର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରିମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା 10,00,000 ଟପିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମରାଳ ମାଳିନୀ ଚିଲିକା ଗୁଞ୍ଜୁରି ଉଠିବ ପକ୍ଷୀ ରବରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ ଆଗାନ୍ତୁକ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜାତି। ଚିଲିକାର ପ୍ରାୟ 35,000 ଏକର ଅଞ୍ଚଳ ଜଳରାଶିକୁ ଘେରିମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଡିଏ। ଗତବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 9,00,000ରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 161 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ପକାଇଥିଲେ ଡେରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଘେରିମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,00,000 ଟପିବା ସହ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଘେରିମୁକ୍ତ କରିଛୁ ସେ ଏରିଆଟା ଅବିକା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଜାଗା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଠିକ୍ରେ ବସିବେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ, ଫୁଡ୍ ବି ତାଙ୍କର ମିଳିବ। ବାର୍ଡ଼ ସେନ୍ସସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଧିକ କେମିତି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ସମୟରେ ଚିଲିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ। ଅବାଧ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପରିବେଶବିତ୍ ବି ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ଘେରିମୁକ୍ତ କଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଧୀବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଚିଲିକାର ମାଛ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ବମ୍ବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେବ। ସେହିଭଳି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗାଁରେ ଭୋଜି ଖାଇ 22 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଗାଁରେ ପଲଉ ଖାଇବା ପରେ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗାଁକୁ ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ନା ଅସୁସ୍ଥ ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସବୁ ଖାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ପୁଆ ବଡ଼ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଖାଇଲା ପରେ ସଞ୍ଜ ବାଜିଯିବାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ବାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ, ଖାଲି ପେଟ ମୋଡ଼ି ବାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ, ଏଇ ତ ଖାଲି ନାଳରଙ୍ଗ ଖୋସିଲା ଆଉ। କେତେଜଣ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଛନ୍ତି 20-22 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ। ସେ ଗ୍ରାମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁଆଡ଼େ ଖିଆ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ ପ୍ରାୟ 20-22 ଜଣ ପିଲା ଖାଇକି ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ CDM ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ କଥା ହେଲି ଯେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଉ କାହାର ଫୁଡ଼ ପଏଜନ୍ ହେଇଥିବ ତ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ CDM ପ୍ରଶାସନ ପୁଲି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି
ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ସରିଲା ହେଲେ ନାହିଁ ଶୀତ, ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଁ ଭା ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 48 घंटे में अंडमान सी में लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, और अगर वो लो प्रेशर एरिया बनता है और फर्दर स्ट्रेंथन करता है तो 11-12 तारीख से उड़ीसा में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना। फुलवानी में अभी टेम्परेचर जो है वो 1-8 डिग्री सेल्सियस और भी गिर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी एक वीक तक और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरने की फिलहाल संभावना नहीं है। समय सरिछे जिला रिपोर्ट को इठी रखुछु, नमस्कार।